वीडियो डीसी कौन सी के लिए है? अब कुरवा में देखिए चरण सीमा पर गोचर जमीन का घेराबंदी हो रहा है, रिंग रोड में गोचर जमीन का घेराबंदी हो रहा है, क्या हो रहा है? दुर्भाग्य झारखंड की अलग राज नहीं बनना चाहिए। इधर से मैसो विभाग से 5 सिंचाई कुप मिला चीजों को काम कराने के लिए, काम क्या करेगा? धरातल पर काम हुआ नहीं, कागज कलम एम बी बुक हुआ, सारी पैसा निकल गई, लिखा पढ़ी हुआ, लिखा पढ़ी पेपर कटिंग हुआ, पेपर कटिंग पर डीसी साहब जांच दिए, आशापल्ली कार्यपालक दंडाधिकारी जांच रिपोर्ट डीसी साहब को दे दिए कि भारी मात्रा में गमन हुए, धोखाधड़ी करके पैसा निकासी किया है, इस पर एफ आई आर होना चाहिए, लेकिन आज तक एफ आई आर नहीं हुआ। पविया देवी का दस्तखत मारकर 1 लाख रुपया पंजाब बैंक से निकासी कर लिया है माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह। तो ये 2-4 आदमी ऐसा है कि किसी का पेंशन निकालना, किसी का कुआं का पैसा खा जाना, किसी का वृद्धावस्था निकालना, ये चरम सीमा पर है। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूँ आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। भ्रष्टाचार की यदि परिभाषा गढ़ी जाए तो हर जगह अपनी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन संथाल परगना में जो भ्रष्टाचार चरम पर है वो किसी से ना छुपी है ना छुपाई जा सकती है। ऐसे में ईडी का रेड हर जगह लग रहा है, तो क्या उसका जो छापा है वो दुमका में भी लगेगा? मामला एक दुमका प्रखंड के बैराबांग पंचायत के हैं और वहीं के एक ग्रामीण हमारे साथ में हैं। क्या है मामला? मामला यह है कि वहाँ बिचौलिया का इतना चलती है बैराबांग पंचायत में कि बिचौलिया जो चाहता वो होता है, पदाधिकारी का नहीं चलता, बिचौलिया जो चाहता वो कराता है। मैसो से 5 सिंचाई को मिला था बेनिफिशरी गरीब दुखी को देने के लिए 19,500 प्रति कूप के दर से मैसो विभाग से 5 सिंचाई कूप मिला चीज़ों को काम कराने के लिए, काम क्या करेगा? धरातल पर काम हुआ नहीं, कागज कलम एम बी बुक हुआ, सारी पैसा निकल गई, लिखा पढ़ी हुआ, लिखा पढ़ी पेपर कटिंग हुआ, पेपर कटिंग पर डीसी साहब जांच दिए, आशापल्ली कार्यपालक दंडाधिकारी जांच रिपोर्ट डीसी साहब को दे दिए कि भारी मात्रा में गमन हुए, धोखाधड़ी करके पैसा निकासी किया है, इस पर एफ आई आर होना चाहिए, लेकिन आज तक एफ आई आर नहीं हुआ। दूसरी मामला है माना खेला का निधांत हो जाता है ननकुकरुआ में, उसकी पत्नी बंगाल चली जाती है, बाल बच्चा ने शादीशुदा थी, बंगाल चली जाती है। माना खेरा के रूबी खरीन, उसका पत्नी के नाम है रूबी खरीन, के स्थान पर शादीशुदा महिला का मांग का सिंदूर मिटवा दिया, वो अभी भी जीवित आमदी खरीन नाम है, उसको पूछिए सब बता देगी। आमदी खरीन का मांग का सिंदूर मिटा के उसको विधवा का रूप दे के राष्ट्र परिवार का 10,000 टका निकाल कर लिया है। इस तरह अनेक है, जाति फर्जी जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, निवासी चाहिए फर्जी, वो आप कुरबा वाला उपलब्ध करा देंगे आपको। कौन करता है इसके पंचायत? तीन व्यक्ति ऐसे है, एगो है माँ काली स्वयं सहायता समूह, तो माँ काली स्वयं सहायता समूह पंजाब नेशनल बैंक का है, तो पविया देवी बेहड़ा मको सचिव थी, तो पविया देवी जब उसके पास गई कुछ बोलने के लिए तो उसको विरोध किया तो हटा दिया, और पविया देवी का दस्तखत मारकर 1 लाख रुपया पंजाब बैंक से निकासी कर लिया है माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह। तो ये 2-4 आदमी ऐसा है कि किसी का पेंशन निकालना, किसी का कुआं का पैसा खा जाना, किसी का वृद्धावस्था निकालना, ये चरम सीमा पर है। तो ये जो आप बोल रहे हैं इसका केवल बोल रहे हैं कि कोई प्रमाण भी है? प्रमाण दूंगा मैं, डीसी साहब का रिपोर्ट दूंगा या जांच प्रतिबंध या चेक नंबर दूंगा, राष्ट्र परिवार का चेक निकला है, एक पराठी शिक्षिका है, पराठी शिक्षिका को डीसी साहब गवर्न के चावल गवर्न के आरोप में उसको बरी करके निकाल दिए, ये भी सुनिश्चित कर दिए कि उससे ड्यूटी नहीं लें। भारतीय बीजेपी की सरकार बनी, स्थानीय मंत्री के दबाव में चावल चोरी गबन करने वाली जो रोड में रही 10 साल तक, उसके बाद पुनः उसको बहाल कर दी फर्जी ग्राम शिक्षा समिति के कागज देके। ग्राम शिक्षा समिति जो कागज क्या हो ओरिजिनल सचिव अध्यक्ष का दस्तखत उसमें नहीं है, अब विरोध करते रह गए, कितनों लिखा पढ़ी किए, कोई कार्रवाई नहीं है, वो दस्तखत नौकरी कर रही है। कौन सा स्कूल का ये? प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला बेड़ामक। कितना लिखा पढ़ी किए, कुछ नहीं होता, ये तो देखे हम लोग शांत से घूर रहे हैं, अभी भी ब्लॉक में फर्जीवाड़ी कर रहे हैं। अब देखिए चलिए दिखाएंगे, उसको ब्लॉक में अड्डा है, सबका 15-16 का इंदिरा आवास का पैसा नहीं निकला, गैस सिलेंडर है ना, ननकुकरु आदिवासी टोला जाइए, आज जितना गैस सिलेंडर मिला एको को दिखा दीजिए तो किसी घर में, चलिए हम चलते हैं, एको को आदिवासी गैस सिलेंडर दिखा दीजिए तो बिचौलिया खरीद लिया, बिचौलिया घर में है, कुरुआ में धंधा करता है बिचौलिया गैस का, देखिए जाके कितना लिखेंगे कितना बोलेंगे, लास्ट में ऐसा नहीं कि दुश्मनी कर दे कोई हत्या कर दे, कितना आवाज उठाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। घेराबंदी हो रहा है, रिंग रोड में गोचर जमीन का घेराबंदी हो रहा है, क्या हो रहा है? दुर्भाग्य झारखंड की, अलग राज नहीं बनना चाहिए। तो पदाधिकारी लोग एकदम, पदाधिकारी लोग क्या करेंगे? पदाधिकारी को भाई बोल के है डर, भाई है पदाधिकारी को सरकार से, उस लोगों को भी कोई भागीदारी होगी? कोई भागीदारी, क्या भागीदारी रहती है, लूट कोई भागीदारी नहीं, अब कर रहे हैं जो मौका मिला ले ले, अभी देर चलिए रहा फैशन, कौन बनेगा करोड़पति नौकरी चाकरी जो कंपटीशन, कौन कितना अर्जित कर सकता है, तो कंपटीशन हो गया, अभी कहाँ गया समाजवादी समय, लोहिया जी का समय।
क्या हो गया आज? तो अभी तक जो आप जो भी मामला हुआ आपके पंचायत में, इसको लेकर और आपने क्या किया अभी तक? हम सब पदाधिकारी डीसी डीडीसी कमिश्नर सबको रजिस्ट्री 2-4 बार कर दिया। देखिए कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो छोड़ दिए, क्या करेंगे? पनपे और सरकार फेल्योर है, पदाधिकारी फेल्योर है, जांच रिपोर्ट नहीं कर सकते, रेफर करते हैं। आज सब 5 गो कुआं खाजना बात गुजरे, 5 गो पैसा खा गया और अभी तक कुछ नहीं। बारे सरकार बारे पदाधिकारी, चलिए पदाधिकारी कुछ सुनते नहीं, ऐसा कहना है रमेश चौधरी का जो लूट जो है वो बनी हुई है बेराबंग पंचायत में। आप लोग बने रहिए तब तक जोहार न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।